shall we read from the book of Exodus chapter 12 verse 3 we'll read और आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय का तीसरा वचन इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3 वी विल रीड और निर्गमन के 12 अध्याय का तीसरा वचन हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 इज स्पीकिंग अबाउट पासओवर और ये जो 12वां अध्याय है ये फसे के बारे में पता फसे का पर्व चैप्टर 12 वर्स 1 वी रीड द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर और 12वें अध्याय के प्रथम वचन में उस प्रथम समयों के बारे में हम पढ़ते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड इन वर्स 3 वी रीड 10th डे ऑल हैव सेलेक्टेड वन लैम्प फॉर द हाउस और उस पहले महीना जो आरंभ का है वो हम पढ़ते हैं दूसरे वचन में और फिर पढ़ते हैं 10 दिन के बारे में फॉर ईच एंड एवरी हाउस फॉर इजराइल पीपल दे अलिया ब्रॉट वन लैम्प और हर एक इजरायलियों के लिए वो लोग एक मेमने को लेकर आए दैट लैम्प वाज कॉल्ड पासओवर लैम्प और वे जो फसे के पर्व का मेमना था एंड इन वर्स हमें 6 वी रीड दैट लैम्प वाज टू बी किल्ड और हम छठे वचन में पढ़ते हैं कि वे उसे मारा जाना था बलि देना था चैप्टर 12 वर्स 5 एंड 6 ऑल दिस वर्सेस The lamb was to be killed. और 12वें अध्याय के 5 और 6 वचनों में और उस मेमने की बलि चढ़ानी थी. For every house, I mean, they got one lamb. और हर एक घर के लिए एक मेमने को वो लेकर आए. For what purpose God told this lamb every house to select? और किस उद्देश्य से परमेश्वर ये मेमने को लेकर आए कि उसे चुनाव किया जाए? Because God did many miracles in Egypt, but there was no deliverance. और परमेश्वर ने तो मिस्र में बहुत से चमत्कार किए थे, लेकिन कोई छुटकारा ना मिला। The Nile River water turned into blood. और नाइल नदी का जो पानी था, वो लहू के रंग का हो गया। And the frogs came. और फिर उसके बाद वो मेंढक आए मैंने अलग मिरेकल हमें गॉड डिड प्रभु ने बहुत से चमत्कारों को किया बट देयर वाज नो डिलीवरेंस लेकिन कोई छुटकारा ना था बट दिस इज द लास्ट वन हालेलुया हमें गॉड प्लान टू डिलीवर हिज पीपल और ये आखिरी था कि जब परमेश्वर ये चाहा कि अपने लोगों को छुटकारा दे थ्रू द ब्लड ऑफ द लैम्प देयर वाज अ डिलीवरेंस और मेमने के लहू के द्वारा उसमें एक छुटकारा था व्हाट द मिरेकल कुड नॉट डू हालेलुया द ब्लड ऑफ जीसस डिड और जो चमत्कार ना करने पाया वो परमेश्वर यीशु के लहू ने किया मेनी थिंग्स गॉड डिड हालेलुया बट देयर वाज नो डिलीवरेंस और प्रभु ने बहुत किया लेकिन कोई छुटकारा ना था स्टिल दे वर हालेलुया स्लेव इन इजिप्ट तो भी वे गुलाम थे मिस्र में बट दैट नाइट व्हेन द ब्लड ऑफ द लैम्ब अप्लाइड ऑन द डोर पोस्ट लेकिन उस रात्रि जब उस मेमने के लहू को उस द्वार पर लगाया गया गॉड ब्रॉट ग्रेट डिलीवरेंस इजराइल पीपल वेंट आउट ऑफ इजिप्ट और प्रभु एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आया और इज़राइली लोग मिस्र से बाहर निकले व्हाई दिस लैंप वाज सेलेक्टेड और ये मेमना क्यों चुना गया बिकॉज़ हालेलुया आई मीन ऑन दैट पर्टिकुलर डे इन एवरी हाउस वन वाज टू बी किल्ड और ये कि हर एक घर में एक मेमना मारा जाना था पीपल वेयर टू डाई हालेलुया इन दैट डे और वहां पर लोगों को तो मरना था द एंजल ऑफ द लॉर्ड एंजल ऑफ द आई मीन डेथ वाज going all over all these places. और जो मृत्यु का दूत था वे इन सारे स्थानों में हो जा रहा था But wherever the blood of the lamb found, लेकिन जहां कहीं मेमने का लहू लगाया हुआ If you read chapter 12 verse 13, और यदि आप 12वें अध्याय के 13वें वचन में पढ़े In Exodus chapter 12 verse 13, the Lord said, and the blood will be the token sign for you rabas aur 12ve adhyay ke 13ve vachan mein prabhu ne kaha ye lahu hi tumhare liye chin when god's angel is passing over all the people aur jab prabhu ka dut wahan se ho niklega oh the blood will be the sign and token for the upper the lord rabas aur jo lahu hoga wahi chin tharega Even for the people of God, the blood will be the sign. और प्रभु के लोगों के लिए भी वे एक
चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया हालेलुया। वेयर एवर द ब्लड ऑफ द लैंब अप्लाइड, और जहां कहीं मेमने के लहू को लगाया गया, ओह देयर वाज डिलीवरेंस, हालेलुया, देयर वाज नो डेथ, और वहां पे छुटकारा था और मृत्यु ना हुई। टुडे अमन हैव से वी हैव द लैंब ऑफ गॉड, और कितने जन ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के मेमने हैं। इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 वी रीड, और यूहन्ना की पुस्तक प्रथम अध्याय के 29वें वचन में हम पढ़ते हैं, वन डे जॉन द बैप्टिस्ट सॉ जीसस क्राइस्ट, और यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को एक दिन देखा। इन द बुक ऑफ हालेलुया आमेन चैप्टर वी रीड जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, हियर इज द लैंब ऑफ गॉड, और हम एक अध्याय 29 वचन यूहन्ना में पढ़ते हैं, ये मेमने का, ये परमेश्वर का मेमना है। हमने से जीसस इज द लैंब ऑफ गॉड who taken away all our sins, और यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जिसने जगत का पाप उठा लिया, and he stood in the place where we were to die, और वे वहां पर खड़ा हुआ जहां पे हमें मरना था, we were to be punished, we were to be killed, और हमें दंडित किया जाना था, हमें मारा जाना था, but Jesus as the lamb of God stood in our place, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है वे हमारे लिए खड़ा हुआ। if you read Genesis chapter 22, और यद्यपि आप उत्पत्ति के 22वें अध्याय में पढ़े, in Genesis chapter 22 verse 7 we read, और उसके 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, Abraham and Isaac they climb on the mountain, Abraham और इसहाक उस पर्वत पर चढ़े, and when they came to the top of the mountain, और जब उस पहाड़ी के कोने पर आए, now Isaac asked Abraham, Hallelujah, I mean, wood is there, knife is there, everything is there. और फिर इसहाक ने अब्राहम से कहा कि लकड़ी है, सब कुछ वहां पर है। Isaac arise one question, where is the lamp? लेकिन उसने एक प्रश्न उठा, ये कहा कि परमेश्वर मेमना किधर है? Because Hallelujah, Abraham brought Isaac to be killed. क्योंकि अब्राहम लेकर आया था इसहाक को कि वो मारा जाए। So he did not bring any Hallelujah lamp. और वो किसी मेमने को तो ना लाया था। Because Isaac was to be sacrificed on that day. क्योंकि उस दिन इसहाक की बलि चढ़ाई जानी थी। Hallelujah, but praise God, all of us. लेकिन प्रभु की स्तुति हो। In verse 13 we read. 13वें वचन में हम पढ़ते हैं। You know, verse 8, Abraham answered, God will provide my son. और उत्तर दिया अब्राहम ने 8वें वचन में कि परमेश्वर उस अपाय आप ही करेगा। Genesis 22 verse Hallelujah, Amen. See, 8 we read, Abraham told, God will provide. और हम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय के 8वें वचन में करते हैं कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। The meaning of God will provide is Jehovah Jireh. और इसका तात्पर्य है वो यहोवा यीरे है। हमने से Jehovah Jireh, God will provide. और यहोवा यीरे वो आप ही उपलब्धि देगा। The same thing God did in verse 13. और वही 13वें वचन में प्रभु ने किया। You know, Hallelujah, he did not sacrifice this Isaac. और इसहाक की उसकी बलि ना चढ़ाई गई उसने। In verse 13 we see Hallelujah one animal. और वहां पर हम देखते हैं एक जानवर के बारे में। One animal's horn was struck up in the thorns. और उस जानवर का जो सिंह था वो फंस गया था झाड़ी में। And what this Abraham did there? और अब्राहम ने वहां पर क्या किया? He brought that animal. और वो उस मेड़े को उसने लिया। And he sacrificed in the place where Isaac was to be sacrificed. और उसने वो होम बलि चढ़ाई जहां पे इसहाक की बलि चढ़ाई जानी थी। Is it there in verse 13? Hallelujah, where Isaac was to be sacrificed, this Hallelujah animal was sacrificed. और क्या उस 13वें वचन में लिखा है कि जहां पर इसहाक की बलि जानी चढ़ाई जानी थी वहां पे ये मेंढा चढ़ाया गया? But today Hallelujah, not to the animal, the lamb of God is Jesus Christ for us, all of us. लेकिन वो मेमना नहीं, लेकिन आज जो मेमना वो यीशु मसीह है हमारे लिए। Why the Lamb of God, I mean, took all our sins and sacrificed on the cross? और परमेश्वर के मेमने ने क्यों हमारे सारे पापों को लेकर उस क्रूसित किया गया? Because in the book of Hebrew chapter 10 verse 1 we read. क्योंकि इब्रानियों 10 के 1 में हम पढ़ते हैं। I mean, chapter 10 in the book of Hebrew verse Hallelujah, one we read. और इब्रानियों के पुस्तक 10वें अध्याय के प्रथम वचन में हम पढ़ते हैं। Everybody in the Old Testament, everybody brought one animal for sacrifice. और पुराने नियम में सब जन जानवर को लेकर आ उसे बलि चढ़ाते थे। Hebrew chapter
और हम ये पढ़ते हैं इब्रानियों 10वें अध्याय के प्रथम वचन में कि सब जन बलि के लिए लेकर आते थे जानवरों को. All this animal sacrifice was not perfect in the sight of God. लेकिन प्रभु की दृष्टि में ये संपूर्ण बलिदान नहीं था. हमें चैप्टर 10 वर्स 4 व्हाट वी रीड और 10वें अध्याय के चौथे वचन में हम क्या पढ़ते हैं. चैप्टर 10 वर्स 4 अलिय वी रीड और 10वें अध्याय के चौथे वचन में हम पढ़ते हैं. एनी एनिमल और गोट और एनीथिंग एंड द ब्लड ऑफ एनिमल कैन नॉट क्लेंस मैन्स सिन. क्योंकि मनुष्य के जो पापों को दूर नहीं कर सकता बैलों या बकरों का लहू. वर्स 4 अलाबा. यस वर्स 4 द ऑल यू नो एनिमल ब्लड कैन क्लेंस मैन्स सिन. और कोई भी बैलों या बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता. आफ्टर टेलिंग दिस थिंग्स ओनली The next words is writing. और ये सब चीजें कहने के बाद ही अगले वचन को वो लिख रहा. In verse 5, chapter 10, we read. और 10वें अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं. So when Jesus came in this earth. जब यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी पर आया. When Jesus came in this world. जब यीशु मसीह इस संसार में आया. What was prepared for Jesus? और उसके लिए क्या तैयार किया गया था? One body was prepared for Jesus. और एक देह उसके लिए तैयार की गई. Because the body was needed to be sacrificed. क्योंकि एक देह की जरूरत थी कि बलिदान चढ़ाया जाए. So Jesus, amen, hallelujah, with that body only, he gave us a sacrifice on the cross. और उसी देह के द्वारा यीशु मसीह ने कालवरी के क्रूस पर बलिदान दिया. If you read 1 John chapter 4 verse 10. और यदि अभी आप पहले योहाना 4 अध्याय के 10वें वचन में पढ़ें. And 1 John chapter 4 verse 10 we read. और पहले योना 4 अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं. Because God loved every one of us. क्योंकि परमेश्वर ने हम हर एक से प्रेम रखा. Hallelujah. Chapter 4, 1 John verse 10 we read. और पहले योना 10वें अध्याय के 4 अध्याय के 10वें वचन में. Because God loved each and every one of us. क्योंकि परमेश्वर ने हम हर एक से प्रेम किया. He sent to whom? उसने किससे ये कहा? He sent to Jesus Christ in this world. उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा. That he will be a propitiation, atonement. That means he will die in the place where we die. क्योंकि वह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जब अपने पुत्र को भेजा, यानी कि वो हमारे स्थान पे मारा जाए. Hallelujah. Hallelujah. This morning, how many of say Jesus came to die? I mean the place where I was to die. और कितने जन इस सवेरे ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया और वहां पे मरने के लिए जहां पे मुझे मरना था. इफ यू बिलीव यू कैन लिफ्ट योर हैंड्स एंड से थैंक यू जीसस. और यदि आप ये विश्वास करते हैं, हाथ खड़े होकर कह सकते हैं धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु जी. जीसस बिकेम Passover lamb for us. और फसे के पर्व का मेमना बना यीशु मसीह हमारे लिए. Even in the book of Romans chapter 3 verse 26 we read. और रोमियो 3 के 26 में भी हम पढ़ते हैं. I mean Jesus came as that propitiation or atonement for us. और पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. We were to be crucified. और हमें क्रूसित होना था. We were to be hallelujah and there killed. और हमें मारा जाना था. But Jesus took our place and he gave his blood. He gave his life for us. लेकिन हमारे स्थान पे यीशु मसीह ने अपने स्वयं का लहू हमारे लिए दिया. Praise the Lord. In 1 Peter if you read you can understand. और यदि आप पहले पत्रस में पढ़े तो आप इस बात को समझने पाएंगे. 1 Peter hallelujah chapter 2 verse 24 we read. और पहले पत्रस दूसरे अध्याय के 24वें वचन में हम पढ़ते हैं. In 1 Peter chapter 2 verse 24 we read. और पहले पत्रस दूसरे अध्याय के 24वें वचन में. Jesus carried our sins hallelujah all our sins he carried in his body on the cross. और वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. चैप्टर 2 वर्स 24 दूसरे अध्याय का 24वां वचन. अपॉन हिज बॉडी ही कैरीड ऑन द क्रॉस. अपनी देह पर उसने क्रूस पर वे चढ़ गया. व्हाट ही कैरीड इन वर्स 24 वी रीड. और 24वें वचन में उसने क्या उठा लिया. 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 व्हाट ही कैरीड. पहले पत्रस 2 के 24 में उसने क्या उठा लिया. ही कैरीड आवर सिंस
on his body on the cross. और हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए वे क्रूस पर चढ़ गया. All our sins were laid upon him. और हमारे सारे पाप उस पर यूं उंडेल दिए गए. That is what he became, the Lamb of God who takes away the sins of this world. इसलिए वह परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा लिए जाता. Even in the book of Isaiah chapter 53. Hallelujah. Amen. So we read. और यशायाह के 53वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं. Amen. Chapter 53, verse 5 to 8, if you read. और उसके 5वें वचन से 8वें वचन तक यदापि आप पढ़े. Amen. He did not do any sin. और उसने तो कोई पाप ना किया. Our sins, our hallelujah sin, our iniquities laid upon him. लेकिन हमारे पाप और हमारे अधर्म उस पर डाल दिए गए. Jesus did not die because he did something. और यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसने कुछ किया था. He was the holy one. वह तो पवित्र था. Hallelujah, but he died for every one of us, for our sins. लेकिन वह हमारे पापों के लिए मारा गया. And because he died for us, क्योंकि वह हमारे लिए मारा गया. Today we are worthy to enter in the kingdom of God. इसलिए हम योग्य ठहराए गए कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें. Who became Passover for us? और कौन फसे बना हमारे लिए? In 1 Corinthians chapter 5 verse 7 we read. और पहले कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं. In 1 Corinthians chapter 5 verse 7 we read, Jesus became our Passover. और पहले कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 7वें वचन में पढ़ते हैं कि वह फसे यीशु मसीह हमारे लिए बना. So Jesus became my Passover, love us. और यीशु मसीह मेरा फसे बना कहने पर. Hallelujah. Hallelujah. I mean, 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Who became our Passover? और एक कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 7वें वचन में कौन हमारे लिए फसे बना? As in the Old Testament we read about the Passover, in the New Testament Paul is writing, Jesus became our Passover lamb. और जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं वैसे ही पौलुस लिख रहा कि यीशु मसीह हमारे लिए फसे बना. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. I mean that same night when Passover lamb was killed. और जब फसे का मेमना उस रात्रि जब मारा गया. Israel people came out of Egypt. इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकल कर आए. Moses was writing in the book of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा लिख रहा था. In Deuteronomy chapter 6 verse 16 verse 1 we read. और व्यवस्था विवरण 16 अध्याय के प्रथम वचन में हम पढ़ते हैं. Deuteronomy 16 verse 1 we read, in that same night when the lamb was killed. और उसी रात्रि जब मेमना मारा गया. Hallelujah. I mean Moses was writing to Israel people, you came out of Egypt. I mean this Hallelujah, where you were a slave. और मूसा लिख रहा था कि उसी रात तुम निकल कर आए जहां पे तुम गुलाम थे. Praise the Lord, because of that sacrifice we came out of hellfire. प्रभु की स्तुति हो, उस बलिदान के बदौलत हम निकल कर बाहर आए. Before our salvation our life was in danger. और हमारे उद्धार से पहले हमारा जीवन तो बड़े खतरे में था. We were to be in the hellfire. और हमें अधोलोक में झोंका जाना था. But when Christ died on the cross, he brought out of the hellfire. लेकिन यीशु मसीह उस कालवरी के क्रूस पर मारा गया, वो हमें अधोलोक से उसने निकाल लिया. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 5, we read chapter 12, verse 5. और प्रभु की स्तुति 12वें अध्याय के 5वें वचन में. In the book of Exodus chapter 12, verse 5, we read. और निर्गमन 12 अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं. Amen. Your lamb will be without blemish. और तुम्हारा मेमना निर्दोष होगा. Hallelujah. I mean there will be no guilt in that lamb. और उसमें कुछ भी ऐसा वो निर्दोष रहे, कोई दोष ना होगा. It will be perfect sacrifice. और वे एक संपूर्ण बलिदान होगा. Have you taken chapter 12 verse 5 in the book of Exodus? क्या आपने निर्गमन में 12वें अध्याय के 5वें वचन को लिया है? Oh, the lamb was selected on the 10th day of the first month. और उस पहले महीने के 10वें दिन में वो मेमना चुना गया. According to chapter, I mean 12 verse 3. और 12वें अध्याय के 3रे वचन के अनुसार. Chapter 10 verse 3, on which day, I mean the lamb was selected. और मेमना किस महीने किस दिन चुना गया? In the first month, 10th day, the lamb was selected. और पहले महीने के 10वें दिन वो मेमना चुना गया. Every house one lamb was bound there. और हर एक मेमना हर एक घर पर बांधा गया. How many days that lamb was to be kept? और कितने दिन उस मेमने को वहाँ पे रखा जाना था? Till which day? किस दिन तक? That is in verse 5 we read, from 10
to 14th day, hallelujah, that lamb was to be bound every house or in front of the house. और 10 तारीख से 14 दिन तक पांचवें वचन में हम पढ़ते हैं मेमने को वहां पर घर के बाहर बांधा जाना. Why, hallelujah, immediately that lamb was not killed? और तुरंत ही उस मेमने को क्यों नहीं मारा गया? Why they kept for Aliyah, 4 or 5 days. और 4 या 5 दिनों के लिए क्यों रखा गया उसे? From 10th to 14th, why that lamb was kept? और 10वीं तारीख से 14 तारीख तक क्यों उसे रखा गया? It was kept when the people came. और इसलिए रखा गया कि लोग जब वहाँ पर आए. Whenever Aliyah, in these 4 or 5 days, when people, whether the relatives or the friends or the people, common people, were visiting that house. और उस घर में जब रिश्तेदार या मित्र जन या साधारण लोग वहां पर आते थे, they will watch that lamp. वो उस मेमने को देखते. Hallelujah, they will find whether any fault is there. और ये देखते कि क्या उसमें कोई गलती है या नहीं. If that hallelujah lamb is blind, और यदि अंधा होता था वो मेमना. If that lamb is wounded, यदि मेमना में कोई घाव हो. If the lamb is not perfect, hallelujah, any handicap like, और यदि वो कहीं लंगड़ा या इस प्रकार से हो. People will say this cannot be sacrificed. तब फिर लोग ये कहते थे कि इसका बलिदान नहीं चढ़ाया जा सकता. You cannot sacrifice this animal. और आप इस जानवर को बलिदान नहीं चढ़ा सकते. So from 10th to 14th they kept, the people will tell, I mean, this is perfect. It is good for a sacrifice. और 10 से 14 तक रखा गया कि लोग आकर ये कहें कि हाँ ये संपन्न है उस बलिदान के लिए. After all the people, hallelujah, I mean, tell, then only that the lamb was sacrificed. और सब लोग जब ये कह देते उसके बाद ही उस मेमने का बलिदान चढ़ाया गया. Jesus came in this world. यीशु मसीह इस संसार जगत में आया. He did not die immediately on the cross. वह तुरंत ही क्रूस पर नहीं. 33.5 years he lived before man. 33.5 साल वो जिया मनुष्य के समक्ष. You know how he lived? आप ये जानते किस प्रकार से वो जिया? If you read in the book of Luke chapter 4, यदि आप लूका पुस्तक के 4th अध्याय में पढ़ें. Luke chapter 4 verse 34 we read. और लूका 4:34 में हम पढ़ते हैं. Somebody is giving testimony about Jesus Christ. और कोई गवाही दे रहा यीशु मसीह के बारे में. What testimony? Who is giving here? और क्या गवाही कौन दे रहा? The legion is giving testimony. और वे जो दुष्ट वो दे रहा. One who was filled with thousands of demons. और वे जो बहुत से ऐसे दानवों से भरा था. Oh, that person is telling, you are the holy one. और वो ये कह रहा था कि तू तो पवित्र है. Chapter 4 verse 34. और 4th अध्याय के 34वें वचन में. What the demon, hallelujah, I mean, so the man who was filled with demons, what he is telling, you are the holy one, Lord. और वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति ने क्या कहा? तू तो पवित्र है. Is it that chapter 4? In the book of Luke, verse 34, hallelujah, you are the holy one. तू परमेश्वर का पवित्र जन है. Who is telling? ये कौन कह रहा? Hallelujah, I mean, so even demon is telling, you are the holy one. वे दुष्ट ये कह रहा कि तू पवित्र है. In the book of Matthew, chapter 27, verse 4, we read. और मत्ती के 27वें अध्याय के 4वें वचन में हम पढ़ते हैं. Here, Judas Iscariot is telling. और यहाँ पे Judas Iscariot कह रहा. Judas Iscariot is telling, sinless blood I betrayed. और वे पाप रहित लहू को मैंने धोखा दिया. और वे जो लहू था जिसमें पाप नहीं था उससे मैंने धोखा किया. Who is giving testimony now? अब ये कौन गवाही अब दे रहा? Even the Judas Iscariot who betrayed Jesus, he is giving testimony, his blood is sinless blood. Judas Iscariot जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया उसने ये गवाही दी कि यीशु का लहू पाप रहित था. Even 700 years before Jesus born. और 700 वर्ष पूर्व यीशु के पैदा होने से पहले. The prophet Isaiah told, I mean, he did no sin. He did not know sin. भविष्यवक्ता यशुशा ने कहा कि उसने पाप ना जाना. Even in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 21 we read. और दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में भी हम पढ़ते हैं. He knew, Paul is writing to Corinthian church. He knew no sin.
but he made himself sin for us. और उसने पाप से वो अज्ञान था, लेकिन उसने हमारे लिए पाप वो ठहराया गया. He made sin for us. और वे हमारे लिए पाप ठहराया गया. He knew no sin. और वो अज्ञात था पाप से. He did not know sin, but he made sin for us. और वे पाप को तो ना जानता था, लेकिन हमारे लिए वो पाप ठहराया गया. Hallelujah. Hallelujah. You know, in Matthew chapter 27 verse 24 we read. और मत्ती के 27 के 24 में हम पढ़ते हैं. Even Pilate was going to judge this Jesus Christ. और पिलातुस भी जब न्याय करने जा रहा था यीशु मसीह को. Chapter 27 verse 24. Pilate, he washed his hands. और उसने आकर अपने हाथों को धोया. And he said, he is a righteous one. और उसने कहा ये तो धर्मी है. Oh, Jesus is the righteous one, holy one. How can I judge? और यीशु तो धर्मी है, पवित्र है. मैं कैसे उसका न्याय करूँ? I found no guilt in him. और उसमें कोई भी दोष मैंने नहीं पाया. Even the Pilate gave testimony. और पिलातुस ने भी इस प्रकार की एक गवाही दी. If you read in the book of 1 Peter chapter 2, even Peter is giving testimony. और पहले पत्रस दूसरे अध्याय में यदि आप पढ़े तो पत्रस भी एक गवाही दे रहा. The man who was living 3.5 years with Jesus Christ. और वे व्यक्ति जो 3.5 वर्ष तक यीशु मसीह के संग रहा. Chapter 2, verse 22, he says he did no sin. और उसने कोई भी पाप ना किया. Not only the people were telling. और ना तो केवल लोग ये कह रहे थे. Even Jesus told, who can say Hallelujah. There is sin in me. और यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि कौन कह सकता कि मुझ में पाप है. Hallelujah. Hallelujah. हमने से Jesus came as the sinless lamb of God. और यीशु मसीह आया वो पाप रहित मेमना परमेश्वर का. Oh, the whole world gave testimony. और ये जगत ने गवाही दी. Hallelujah. Hallelujah. Even the demon gave testimony about the Lord. उस दुष्टात्मा ने भी एक गवाही दी परमेश्वर के बारे में. There was no sin in Jesus Christ. और कोई पाप ना था यीशु मसीह में. As Passover lamb was kept from 10th day to 14th day. और फसे का वो मेमना जिस प्रकार से 10 से 14वें दिन रखा गया. Jesus was walking 33.5 years on this earth. यीशु मसीह 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहा. And people could say it's a holy one. और सब लोग ये कहने पाए वो तो पवित्र है. Say he is the holy one. और वो तो पवित्र जन है. He became the sacrifice for us. और वे बलिदान बना हमारे लिए. Hallelujah, propitiation, atonement for every one of us. और उसने सारे पापों को उठा लिया सबके लिए. That is in the book of John chapter 18 if you read. और यूहन्ना के 18वें अध्याय में यदि आप पढ़े. In John chapter 18 verse 39 when you read. और उसके 39वें वचन में यदि आप पढ़े. At the time of Passover every year. और फसे के समय में हर वर्ष में. Every year when the time of Passover aur har varsh mein jab fase ka samay aata tha one sinner or any thief or anybody who is in the prison aur ek papi ya jo us bandi grah mein koi ek vyakti ho that person who is in jail he was to be released aur ve vyakti jo bandi grah mein tha use choda jana tha in chapter 18 verse 39 Pilate was asking oh the Passover day somebody hallelujah one was to be released whether I can release Jesus or not aur kisi ko to choda jana tha lekin kya main yeshu masi ko chhodu ya nahi in verse 40 what people shouted aur logon ne kya kaha hallelujah chapter 18 verse 40 in the book of hallelujah John what people shouted aur 18 ke 40 mein logon ne kya chilla kar kaha hallelujah crucify Jesus ki yeshu masi ko crucified karo crucify Jesus yeshu masi ko crucified karo release Whom, और किसको छोड़ दो यू रिलीज बरबास और बरबा को तुम छोड़ दो Who was Barabbas? और बरबास कौन था हमें he was a thief. वे डाकू था he was a murderer. वे तो उसने मारा था he was a sinner. वे तो पापी था he was a wicked person. वे बड़ा दुष्ट व्यक्ति था Oh, Christ was crucified. Barabbas was released. और यीशु मसीह क्रूसित किया गया और वो बरबास छोड़ा गया We were like Barabbas released because Jesus became our Passover lamp. और बरबा छोड़ा गया क्योंकि यीशु मसीह फसे का मेमना बना. Once again, raise your hands and say, Lord, you are Passover lamb became. You became Passover lamb. I am released through your sacrifice. और एक बार फिर हाथ उठाकर यूं कहें कि हाँ प्रभु तू फसे का मेमना बना
ताकि मैं छुटकारे को पाऊं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यहोवा। हाउ मच यू गिव थैंक्स इट्स नॉट इनफ, और जितना भी आप धन्यवाद दे वो काफी नहीं। यू नो व्हेन एडम एंड ईव कमिटेड सिन इन एडन गार्डन, और आदम और हव्वा ने जब इस ईदन के बगीचे में पाप किया, दे बिकेम नेकेड, और वे तो नंगे हो गए। व्हाट एडम एंड ईव डिड, आदम और हव्वा ने क्या किया, दे वर ट्राइंग टू कवर देयर नेकेडनेस, और वे अपने नंगेपन को ढांपने लगे। विद व्हाट दे ट्राई टू कवर देयर नेकेडनेस, और किससे वे ढांपने लगे, विद लीव्स, फिक लीव्स दे ट्राई टू कवर, और उन पत्तों से वे अपने आप को ढांपने लगे। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन वे एक कोई समाधान ना था। इट वाज ओनली टेंपरेरी, इट कैन फ्लाई अवे, वे तो थोड़े ही समय का था, फिर वे उड़ भी सकता था। दैट लीव्स कैन बी देयर, और वे जो पत्ते थे वो शायद मुरझा भी जाते। गॉड अरेंज समथिंग इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वी रीड, लेकिन प्रभु ने कुछ एक उपलब्धि दी जो उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं। चैप्टर 3 इन द बुक ऑफ जेनेसिस वर्स 21 वी रीड, और उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के 21वें वचन में हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 21, गॉड अरेंज हालेलुया द एनिमल स्किन, द हालेलुया द लैम, वन लैम वाज किल्ड एंड ही ब्रॉट थ्रू दैट सैक्रिफाइस, ही ब्रॉट दैट स्किन फॉर एडम एंड ईव। और वहां पे हम 21वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक जानवर को लेकर मारा और उसके चमड़े के अंग रखे बनाकर उन्हें पहना दिए। हालेलुया, हमें एडम एंड ईव दे वर टू डाई, आदम और हव्वा उनको तो मारा जाना था, बट वन इनोसेंट एनिमल वाज किल्ड फॉर देम, लेकिन एक वे निर्दोष जानवर मारा गया। हालेलुया, दे वर कवर, देयर नेकेडनेस वाज रिमूव्ड, और वे जो उनका वो तो ढांपे गए और उनका नंगापन हटा दिया गया। बट टुडे हाउ वी आर कवर्ड, लेकिन आज हम किस तरीके से ढांपे गए, वी आर कवर्ड विद जीसस क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के द्वारा ढांपे गए। आई मीन इफ यू रीड गैलेटियन चैप्टर 3 वर्स 27, और यद्यपि आप गलातियों के पुस्तक 3 अध्याय के 27वें वचन में पढ़े, या गैलेटियन चैप्टर 3 वर्स 27 वी रीड, और गलातियों 3 अध्याय के 27वें वचन में, those who are baptized, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, those who are baptized, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, for everyone who are baptized Jesus became the garment for them, और यीशु मसीह जिनका बपतिस्मा हुआ वो उनके लिए वस्त्र बना। verse 27, 27वां वचन, हमें चैप्टर 3 गैलेटियंस verse 27, हमें जीसस बिकेम द गारमेंट, और यीशु मसीह वे उनके लिए वस्त्र बना। ऑन द डे यू एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट, और जिस दिन आपने यीशु मसीह को अंगीकार किया, द डे यू टेक आई मीन यू टुक द बैप्टिज्म, और जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, हु बिकेम योर गारमेंट, और कौन आपका वस्त्र बन गया, जीसस बिकेम आवर गारमेंट, यीशु हमारा वो पहनावा या वस्त्र बन गया। He is the Lamb of God for us, वे परमेश्वर का मेमना हमारे लिए है। That is what, hallelujah, in Isaiah chapter 61 verse 10 we read. और वही यशायाह 61 के 10 में हम पढ़ते हैं, ओ द लॉर्ड हैज गिवन द गारमेंट ऑफ सॉल्वेशन टुडे, और उद्धार का वस्त्र प्रभु ने आज हमें दिया है। 61 वर्स 10, आई मीन द लॉर्ड हैज गिवन अस द गारमेंट ऑफ सॉल्वेशन, द गारमेंट ऑफ राइटसनेस टुडे, और 61 के 10 में कि परमेश्वर ने वे वस्त्र दिया हमें उद्धार का और धार्मिकता का। व्हेन यू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड टुडे, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं, यू आर नॉट नेकेड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के समक्ष नंगे नहीं। बिकॉज व्हाट गारमेंट डू यू हैव, क्योंकि कौन सा वस्त्र आप पास है, यू हैव द गारमेंट ऑफ सॉल्वेशन, आपके पास उद्धार का वस्त्र है। ओ विद द गारमेंट ऑफ सॉल्वेशन वी स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी आर वर्थी टू स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और उद्धार के वस्त्र के द्वारा हम योग्य हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति के समक्ष खड़े हों। यू आर नॉट नेकेड, यू आर हालेलुया कवर्ड विद द हालेलुया आई मीन्स द गारमेंट, आप नंगे नहीं लेकिन उस वस्त्र से आप ढांपे गए। सो थैंक, हाउ मच यू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, और जितना भी आप प्रभु का धन्यवाद दें, इट इज नॉट इन आवर लाइफ, वे काफी नहीं हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। दैट इज व्हाट चैप्टर हालेलुया आई मीन चैप्टर 12 इन द बुक ऑफ एक्सोडस वी रीड, और वही हमने निर्गमन के 12वें अध्याय में पढ़ा। आई मीन चैप्टर 12 वर्स 5, इट मस्ट बी आई मीन हालेलुया विदाउट ब्लेमिस, और वह निर्दोष होना चाहिए। 5वें वचन में हमने पढ़ा। देन इन वर्ड 6 एंड द 14th डे, और 6वें वचन में फिर वो 14वें दिन, आई 14th डे, और 14वें दिन था हालेलुया दैट पासओवर लैम्ब In the evening time, it must be killed. और उस शाम के समय में उस मेमने को मारा जाना था। I mean the lamb, hallelujah. I mean in the evening time, the 14th day, it was to be killed. और जब शाम आई तो उस समय उस 14वें दिन में उसका बलि चढ़ाया जाना था। How the lamb will be killed?
और किस प्रकार से बलिदान होता था उस मेमने का, whether in the mutton shop or chicken shop, how they kill, और उस मटन शॉप में या चिकन की दुकान पर किस तरीके से मारते हैं, they take the knife, और वो चाकू को लेते हैं, where they put, और कहां पे रखते हैं, where they put that knife, और कहां पे रखते हैं उस चाकू को, whether it is goat or any whether chicken anything, they put that knife on the neck, बकरी हो या भी कोई और जानवर, तो कहां पे रखते हैं, वो गर्दन पर रखते हैं, हालेलुया, they put the knife on the neck and they cut, और वो गर्दन पर रखकर फिर उसे काटते हैं, when they cut the neck, what is happening, और जब उस गर्दन को काटते हैं तो क्या होता है, the blood immediately come out, तो वो जो लहू है वो तुरंत बाहर निकल आता है, all the blood of the hallelujah lamb and the animal is coming out, तो वो उस जानवर का या उस मेमने का जो लहू है सारा बाहर निकल आता है, dear God children, I mean the Jesus Christ became our sacrifice, our lamb of on the cross for us, प्रभु के प्रिय जन यीशु मसीह हमारे लिए वह बना उस कालवरी के क्रूस पर, he was killed for us, वह मारा गया हमारे लिए, हालेलुया, हालेलुया, but in verse 7 we read, लेकिन सातवें वचन में हम पढ़ते हैं, in the book of hallelujah Exodus chapter 12 verse 7 we read, और निर्गमन के 12वें अध्याय के 7वें वचन में, see when you hallelujah amen kill that lamb, जब आप उस मेमने को मारेंगे, hallelujah amen verse 7 you must take that blood, आपको उस लहू को लेना होगा, must take the blood of the lamb, और उस लहू को लेना होगा, in verse 7 you must apply the blood of the lamb on your door post both side and on the upper side, और दोनों तरफ द्वार के और ऊपर की तरफ उस लहू को लगाना पड़ेगा, praise the lord, प्रभु की स्तुति हो, oh the blood must be applied in every house, और हर एक घर में इस प्रकार से लहू को लगाना था, every door post blood must be there, और हर एक ऐसे द्वार पर इस प्रकार से लहू लगाना था, what blood, the blood of the lamb, और कौन सा लहू, उस मेमने का लहू, हमने हमें blood of the lamb must be applied, और मेमने का लहू लगाया जाना था, Jesus hallelujah died on the cross for us, और यीशु मसीह मारा गया क्रूस पर हमारे लिए, but today we are blessed with the blood of Jesus Christ, लेकिन आज हम आशीषवत हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हमने से I am blessed with the blood of Jesus Christ, और मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा आशीषवत हूँ, hallelujah, hallelujah, why we are blessed with the blood of Jesus, और क्यों हम आशीषवत हैं यीशु के लहू के द्वारा, amen, in the book of Hallelujah, Hebrew chapter 9 verse 22. और इब्रानियों के पुस्तक 9वें अध्याय के 22वें वचन में. हमें how many of you have taken Hebrew chapter 9 verse 22? और कितने जनों ने इब्रानियों के पुस्तक 9वें अध्याय के 22वें वचन को लिया है? Without shedding of the blood, there is no remission of sin. और बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं. Without shedding of the blood, there is no hallelujah forgiveness of sin. और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं. Hallelujah, everyone, if the sins are to be forgiven, then the blood must be shed. और यदापि हर एक के पापों को क्षमा किया जाना है तो लहू का बहाना जरूरी है. That blood hallelujah must be sinless blood. लेकिन वे पाप रहित लहू होना चाहिए. But the animal blood cannot hallelujah cleanse man's sin. लेकिन जानवर का लहू मनुष्य के पापों को नहीं धो सकता. That is what we read in that Hallelujah, Hebrew. और वही हमें इब्रानियों में हमने पढ़ा है. Amen. Hebrew chapter 10. और 10वें अध्याय में इब्रानियों की पुस्तक. Amen. Read Hebrew chapter 10 verse 4. और इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय के 4वें वचन में. Hebrew chapter 10 verse 4. What we read? और वहाँ पे क्या पढ़ते हैं? Hallelujah. Hebrew chapter 10 verse 4. और इब्रानियों 10 के 4 में. Hallelujah. The animals' blood cannot cleanse man's sin. और उन बैल और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता. See there words, hallelujah, words for Alaba. Yes. Animals' blood cannot cleanse man's sin. और जो जानवर का लहू है वह मनुष्य के पापों को दूर नहीं कर सकता. Hallelujah. So God knew. Hallelujah, because of that Christ came on this earth. और परमेश्वर यह जानता था उस कारण वश यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया. The same chapter verse 14 if you read. और उसी अध्याय में 14वें वचन में पढ़ें आप. Hallelujah, chapter I mean 10 verse 14 what we read. और इब्रानियों 10 के 14 में हम क्या पढ़ते हैं? Through that one sacrifice. और उस एक चढ़ावे के द्वारा. हमने through that one sacrifice. और उस एक बलिदान के द्वारा. He made perfect and we are worthy to enter in the kingdom of God today through that one sacrifice. और हम संपूर्ण बनाए गए और उस बलिदान के द्वारा आज हम प्रवेश करने पाते हैं. Verse 14 Alaba. Hallelujah, verse 14. I mean with that perfect sacrifice. I mean
एनिमल सैक्रिफाइस नॉट परफेक्ट सैक्रिफाइस और जो जानवर का बलिदान था वो पूरा नहीं या संपन्न नहीं था बिकॉज क्राइस्ट डाइड बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइस दैट वन सैक्रिफाइस द एनिमल सैक्रिफाइस स्टॉप्ड और यीशु मसीह मारा गया और उसके एक बलिदान के द्वारा जानवर का बलिदान थम गया व्हेन क्राइस्ट डाइड ऑन द क्रॉस फॉर अस जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा गया नाउ देयर इज नो नीड ऑफ एनी एनिमल सैक्रिफाइस अभी किसी जानवर के लहू बहने का कोई आवश्यकता नहीं हमने से देयर इज नो नीड ऑफ एनी एनिमल सैक्रिफाइस फॉर अस अभी कोई जानवर के बलिदान की आवश्यकता हमारे लिए नहीं लॉर्ड स्टॉप गॉड स्टॉप्ड एवरी सैक्रिफाइस एवरी एनिमल एवरी सैक्रिफाइस अब प्रभु ने हर एक जानवर का बलिदान और हर एक बलिदान को रोक दिया बिकॉज थ्रू वन सैक्रिफाइस ही मेड एवरीथिंग परफेक्ट क्योंकि एक बलिदान के द्वारा उसने सब कुछ संपूर्ण बनाया प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति हो से थ्रू वन सैक्रिफाइस हाउ मेनी सैक्रिफाइस थ्रू वन सैक्रिफाइस ही मेड एवरीथिंग परफेक्ट और ये आप कहने पाए कि एक बलिदान के द्वारा प्रभु ने सब कुछ संपूर्ण बनाया इन एफिसियन चैप्टर 1 वर्ड 7 वी रीड और एफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय के 7वें वचन इन एफिसियन चैप्टर 1 वर्ड 7 वी रीड हमें वी आर रिडीम्ड थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हम हाउ वी आर रिडीम्ड हम किस प्रकार से छुड़ाए गए We are redeemed through the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए We have redemption, I mean, through the blood of Jesus Christ. और हमने उद्धार पाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा Ephesians chapter 1 verse 7, और एफिसियों 1 का 7 Praise the Lord, Rabbi. प्रभु की स्तुति हो हमने से through the blood of Jesus Christ, our sins are washed away, Rabbi. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धो दिए गए हमने से sins are washed away, Rabbi. हमारे जो पाप है सारे धो दिए गए Hallelujah. Hallelujah. See, animal sacrifice is like covering. और जो जानवर का बलिदान था वो तो सिर्फ एक ढांपा जाना था। You know, when you are in your house, जब आप अपने घर में हैं, All hallelujah dust are there here and there. और जो मिट्टी है वो इधर उधर है But somebody rang the bell, Rabbi. और किसी ने अचानक बेल को दबाया When you opened the door, और जब आपने द्वार को खोला Unknown person, somebody came, Rabbi. और कोई जानकार व्यक्ति आया But inside the house, लेकिन घर के भीतर What is there, Rabbi. वहाँ पे क्या है Hallelujah, something here and there lying, Rabbi. और यहाँ कहीं पर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है Hallelujah, you cannot make that guest to stand outside for a long time, Rabbi. और आप वे जो व्यक्ति आया उसे काफी समय तक वहां पे खड़ा नहीं रख सकते Immediately what you will do और तुरंत आप क्या करेंगे He will take one bed sheet or anything he will put on there Hallelujah I mean carpet something put on there Hallelujah under is all kachada I mean under the bed sheet Hallelujah everything is there. Suddenly he had arranged and everything now covered Rabbas और उस कारपेट के बच्चे सामान पड़ा था उसे आप अचानक ढांप देंगे ताकि वो ढांपा गया It is covered with something Rabbas और वो तो ढांपा गया किसी चीज के द्वारा Hallelujah but guest has come and you talk you spend some time and the guest is gone Rabbas aur veh jo vyakti tha wo jo aaya tha pe thode samay raha aur chale gaya this is what animal's blood like covering Rabbas aur yahi jo janwar ka lahu isi prakar se but the blood of jesus is not covering Rabbas lekin dhapa jana yeshu ka aisa lahu nahi blood of jesus is washing Rabbas aur yeshu ka jal hua lahu hame dhota hai praise the lord prabhu ki stuti ho amen in the book of revelation chapter 1 verse 5 if you read aur prakashit vakya ki pustak अभी एक अध्याय के 5वें वचन में रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5 वी रीड प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रथम अध्याय के 5वें वचन में वी आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट और हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए वर्स 5 इज देयर व्हाट वी आर डन नाउ रबा अब हम क्या है आज वी आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट और हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए लिफ्ट योर हैंड्स एंड से हालेलुया आई एम वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट और मैं धो दिया गया अपना हाथ उठाकर कहें यीशु के लहू के द्वारा योर वॉश योर सिंस आर वॉश्ड लवर्स और आप धो दिए गए आपके पाप धो दिए गए नो मोर सिन इज देयर लवर्स अभी कोई पाप नहीं यू सी आफ्टर गेस्ट इज गॉन यू विल रिमूव द बेडशीट हालेलुया आई मीन सो देयर सेम कचरा इज देयर लवर्स और जब व्यक्ति चले गया फिर आप सब कुछ हटा देंगे और फिर वो कचरा आ गया बट व्हेन यू वॉश हाउ यू विल वॉश और जब आप धोएंगे तो किस प्रकार से धोएंगे नॉट ओनली यू विल रिमूव एवरीथिंग यू विल वॉश प्रॉपर्ली आमेन हालेलुया आमेन सो नथिंग इज देयर एवरीथिंग इज वॉश्ड अलाबास और ये कि आप सब कुछ वहां पे हटा देंगे और उसे पूरा साफ कर देंगे क्योंकि वहां पे आप कुछ ना रहा प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति हो द ब्लड ऑफ जीसस क्लेन्सेस फ्रॉम ऑल आवर अनराइटसनेस और यीशु का लहू हमारी सारी अधार्मिकता से हमें शुद्ध करता दैट इज व्हाट द फर्स्ट जॉन वर्ड्स chapter 1 verse 7 Allah aur pehle yohana 1 ke sath mein wo hum padhte hain the blood of jesus cleanses from all our sins aur yeshu masi ka lahu hame sare papon se
होता। एंड कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 20 वी रीड, और कोलोसियों के पुस्तक 1 अध्याय के 20वें वचन में, द ब्लड ऑफ जीसस हालेलुया मींस मेड अस पीस विद गॉड, और परमेश्वर के संग हमें मेल कर लिया उस यीशु के लहू के द्वारा। वंस वी वर एनिमी टू गॉड, अरे एक बार तो हम शत्रु थे परमेश्वर के, वी वर नॉट एट ऑल ऑली वर्थी टू कम टू गॉड्स प्रेजेंस, और हम योग्य न थे कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए। वी वर एनिमी टू गॉड बिफोर, हम पहले प्रभु के शत्रु थे। गॉड हैज रिमूव हालेलुया मैन फ्रॉम हिज प्रेजेंस, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी उपस्थिति से हटा दिया। एनमिटी वाज बिटवीन मैन एंड गॉड, और शत्रुता थी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, बट थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा रिकंसिलिएशन केम, और वे मेल मिलाप आया। हालेलुया, रिकंसिलिएशन केम विद गॉड, और मेल मिलाप वे परमेश्वर के साथ आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। ओ व्हेन वी कम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, और हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वी कैन से आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, लॉर्ड थैंक यू रबस, और हम ये कहते हैं हाँ प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। टुडे ही इज आवर गॉड, आज वे हमारा परमेश्वर है। वी आर द पीपल ऑफ गॉड, और हम परमेश्वर के लोग हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हाउ वी आर कॉल्ड ऑल दिस वे, और क्यों इस प्रकार से हम सब बुलाए गए, इट इज ओनली थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया, ओनली थ्रू जीसस द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट वी हैव कम नियर टू गॉड, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आए हैं। दैट इज इन द बुक ऑफ Ephesians chapter 2 verse 13 we read. और वही एफिसियों 2 के 13 में हम पढ़ते हैं. Ephesians chapter 2 verse 13 what we read. और एफिसियों 2 के 13 में हम क्या पढ़ते हैं? We were far from God's presence. और हम प्रभु की उपस्थिति से बहुत दूर थे. But now because of the blood of Jesus Christ. लेकिन अब मसीह के लहू के द्वारा. We have come near to God. हम निकट हो गए हैं प्रभु के. Chapter 2 in the book of Ephesians. और एफिसियों के पुस्तक दूसरे अध्याय. Verse 13 we read. और उसके 13वें में हम पढ़ते हैं, बिफोर अवर सॉल्वेशन वी वर फार अवे फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस, और हमारे उद्धार से पहले हम प्रभु की उपस्थिति से बहुत दूर थे। हालेलुया, बट नाउ आई मीन हाउ वी केम नियर टू गॉड, लेकिन अब कैसे निकट आए हम प्रभु के, हाउ वी केम नियर टू गॉड, और कैसे हम निकट आए प्रभु के, वी केम नियर टू गॉड अबे थ्रू द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उस बहुमूल्य लहू जो यीशु मसीह का, उसके द्वारा हम प्रभु के निकट आए। से थैंक यू लॉर्ड, अब ये कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, यू कैन कम क्लोज टू द लॉर्ड, और आप परमेश्वर के बहुत निकट आ सकते हैं। बिफोर मैन वॉज नॉट एबल टू कम, इफ ही इज कमिंग टू गॉड्स प्रेजेंस ही विल डाई, और मनुष्य पहले तो ना आ सकता था, लेकिन यद्यपि वो आता तो मारा जाता। हालेलुया, बट टुडे वी आर कमिंग इन गॉड्स प्रेजेंस एंड वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड, वी आर प्रेजिंग द लॉर्ड, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग वी रिसीव मोर देन सेराफिम, मोर देन एंजल्स, लेकिन आज हम आते हैं ये उस आशीषों से बहुत बढ़कर है, उस सेराफिम की भी आशीषों से बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। Washed, we are cleansed and we are blessed with the blood. और हम धो दिए गए और आशीष होते हैं उस लहू के द्वारा। Amen. Amen. Even the church is purchased by the blood of Jesus Christ. और जो कलीसिया है वे भी खरीदी गई यीशु के लहू के द्वारा। In the book of Acts chapter 20 verse 28 we read. और प्रेरितों के पुस्तक 20 अध्याय के 28वें वचन में। The book of Acts chapter 20 verse 28 we read. और प्रेरितों के पुस्तक 20 अध्याय के 28वें वचन में। The Lord purchased the church with His precious blood. और परमेश्वर ने कलीसिया को अपने बहुमूल्य लहू से मोल लिया। हमने से the church is purchased by the precious blood of Jesus Christ. और जो कलीसिया परमेश्वर के लहू बहुमूल्य लहू से मोल ली गई। Verse 28, अलिया, हमें last portion what we read? और 28वें वचन के आखिरी भाग में हम क्या पढ़ते हैं? Is it Acts chapter 20, verse 28? Yes. Acts chapter 20 verse 28, the last portion we read, the church is purchased by the Aliyah, I mean we now or with the blood of Jesus Christ. अब पेटियों के पुस्तक 20 अध्याय के 28वें वचन के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया खरीदी गई यीशु के बहुमूल्य लहू से। As we are the church, और हम कलीसिया हैं, कहने I am purchased by the blood of Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया। हमने से I am purchased by the blood of Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिया गया। You are not belong to you, Allah. आप अपने स्वयं के नहीं। हमने से आई एम यू आर नॉट बिलोंग टू यू, और आप अपने स्वयं के नहीं। यू आर बिलोंग टू होम, आप किसके हैं? हमें यू आर बिलोंग टू होम, आप किसके हैं? यू आर बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट,
आप यीशु मसीह के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। बिकॉज़ वी आर परचेस्ड, क्योंकि हम मोल लिए गए। हालेलुया। दोस दे स्लेव मार्केट वाज देयर, और उन दिनों में तक गुलाम का एक मार्केट था। पीपल वर स्टैंडिंग, इवन यंग मेन वर स्टैंडिंग इन द स्लेव मार्केट, और वहां पे तो लोग खड़े थे और जवान भी वहां पर खड़े थे। व्हेन रिच मैन, रिच पीपल कम टू दैट स्लेव मार्केट, जब धनी जन उस गुलाम की मार्केट में आते, दे विल परचेस, हालेलुया, अमे पीपल, मे यंग मैन, और फिर वो उन जवान जो लड़के थे उन्हें खरीद के, आफ्टर परचेसिंग दैट मैन, और फिर उसे खरीदने के बाद उस युवक को, व्हाट दैट स्लेव मैन विल डू, तो वह गुलाम व्यक्ति क्या करता, ही विल गो आफ्टर द मैन हु परचेस्ड हिम, और वो उस व्यक्ति के पीछे हो लेता जिसने उसको खरीदा था। फ्रॉम द स्लेव मार्केट ही विल गो टू आई मीन हिज प्लेस, और उस गुलाम के मार्केट से फिर वो उसके स्थान पे चले जाता। व्हाटएवर दैट मास्टर इज टेलिंग देन ही विल लिव अकॉर्डिंग टू दैट, और जो कोई स्वामी कहता फिर उसी के अनुसार वो जीवन जीता था। हालेलुया, हालेलुया, से थैंक यू लॉर्ड यू परचेस मी, हालेलुया। अब ये कहें प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मोल लिया। यू आर माय मास्टर, और तू मेरा स्वामी है। आई लिव अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, मैं तेरे वचन के अनुसार जीता हूं। देयर आर सम पीपल, दे आर हैविंग टू मास्टर्स, और कोई एक व्यक्ति है उनके पास दो स्वामी। बट जीसस टेल यू, हाउ कैन यू लिव विद टू मास्टर्स, और यीशु मसीह ने कहा कि किस प्रकार से दो स्वामियों के साथ आप जियोगे। आई मीन समबडी, और सम पीपल आर हैविंग वन मास्टर इज सीजर, अनदर मास्टर इज सैटन, और कईयों के लिए तो यीशु मसीह एक स्वामी और दूसरा शैतान। दे लिव अकॉर्डिंग टू गॉड फॉर सम टाइम, दे लिव अकॉर्डिंग टू सैटन सम टाइम, और कुछ समय तो वो यीशु मसीह के अनुसार जीते और कुछ समय अनुसार वो शैतान के। हालेलुया। मैंने से लॉर्ड ओनली यू आर माय मास्टर लॉर्ड, और कहते जन ये कहते प्रभु तू ही मेरा स्वामी। आई विल प्लीज यू, और मैं तुझे आनंदित करूंगा। आई विल लिव फॉर यू, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। दिस लाइफ इज फॉर मी, फॉर यू, और ये जो मेरा जीवन है वो तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, से थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद प्रभु। वी आर गोइंग टू एंटर इन द हेवन through the blood of Jesus, और आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे यीशु के लहू के द्वारा। In Revelation chapter 7 verse 14 we read, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7वें अध्याय के 14वें वचन में, there were so many people in heaven, और बहुत से लोग थे स्वर्ग में। I mean John is asking now the angel, और उस दूत से यूहन्ना पूछ रहा, who are they, ये लोग कौन हैं? Even the question is arise here, who are they, और ये प्रश्न भी उठा कि वे कौन हैं? What was that answer verse 14, और उस 14वें वचन में उसका क्या उत्तर था? They are the people who wash their hallelujah garment, I mean in the blood of the lamp, aur unhone apne vastr memne ke lahu mein dhokar shwet kiye. Praise the Lord, prabhu ki stuti ho. Humne se through the blood of Jesus I will stand in heaven and worship the Lord, aur yeshu masih ke lahu ke dwara main swar mein khada hoke prabhu ki stuti aradhna karunga. Amen, hallelujah. Your passport is blood of the lamp, aur jo aapka passport hai wo memne ka lahu hai. Amen, passport to heaven is your, amen, the blood of the lamp, और स्वर्ग का जो पासपोर्ट है वो यीशु मसीह का मेमने का लहू। हमने से माय पासपोर्ट फॉर हेवन इज ब्लड ऑफ जीसस, और पासपोर्ट जो मेरा स्वर्ग का है वो यीशु मसीह का लहू। देन योर वीसा अलावा, फिर आपका जो वीसा है, हमसे माय वीसा फॉर हेवन इट इज द ब्लड ऑफ जीसस अलावा, और जो वीसा भी स्वर्ग के लिए है वो भी यीशु का लहू। देन योर टिकट अलावा, और जो आपकी टिकट है, माय टिकट इज अलिया ब्लड ऑफ जीसस फॉर मी, और टिकट भी यीशु का लहू है मेरे लिए। ऑलरेडी एवरीथिंग arrange, everything is paid for you, rabas, aur pehle se sab suvyavasthit kar liya gaya aapke liye. You have nothing to do, nothing to pay, rabas, aur aapko kuch nahi karna aur aapko kuch dam nahi chukana. Everything finish on the cross for us, aur sab kuch cross par samapt kar diya gaya hamare liye. Everything completed on the cross for us, sab kuch sampann kar diya gaya us cross par hamare liye. You have nothing to do, only you have to go, rabas, aur aapko kuch nahi karna, sirf aapko jana hai. Hallelujah, hallelujah, humne se only I have to go, rabas, aur sirf mujhe jana hai. If the Lord is coming, hallelujah, I mean go to heaven and worship the Lord, rabas, aur jab prabhu aayega to main swarg mein jaake prabhu ki aradhna karunga. Today on this earth if you want to defeat Satan, aur is prithvi par yadapi aapko shaitan ko harana hai, you need the blood of the lamb, rabas, aur aapko memne ka lahu ki avashyakta hai. In Revelation chapter 12 verse 11 we read, aur prakashit vakya ke 12ve adhyay mein hum padhte hain, amen, hallelujah, Michael the great angel, aur Michael jo bada doot tha, he defeated Satan how, aur usne shaitan ko haraya kis prakar se, he defeated Satan with the blood of the lamp, aur us memne ke lahu ke dwara usne haraya. Praise the Lord, prabhu ki stuti ho. Even great Michael the angel of God needed the blood of the lamb to defeat the aliya Satan, rabas, aur ve jo Michael tha jo mahan swardut parmeshwar ka, use bhi yeshu ke memne ki lahu ki avashyakta padi. I can defeat Satan, rabas, aur main shaitan ko hara sakta hu. Say I can defeat the demon, rabas, aur main us dusht ko hara sakta hu. I can destroy the work of devil, rabas, aur main dusht ke har ek कार्य को नाश कर सकता हूँ। प्रेज
प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति हो व्हेन यू यूज द ब्लड ऑफ जीसस जब आप यीशु मसीह के लहू को उपयोग में लाते देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस और यीशु मसीह के लहू में समर्थ है हमसे देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस और समर्थ है यीशु के लहू में से वन से देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस और ये कहने पाए कि यीशु मसीह के लहू में समर्थ है हालेलुया रब हालेलुया एंड द लॉर्ड टोल्ड दिस ब्लड इज द टोकन फॉर यू रब और प्रभु ने कहा ये लहू ही तेरे लिए है एंड दैट वर्ड्स वन वर्ड वी रीड आमेन एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 13 और 12वें अध्याय के 13वें वचन में एक पढ़ेंगे आमेन चैप्टर 12 वर्स 13 वी विल रीड और 12वें अध्याय के 13वां वचन हम पढ़ेंगे हालेलुया दिस ब्लड ऑफ द लैम्ब विल बी द टोकन फॉर यू रबस और जो मेमने का लहू है वो तेरे लिए चिन्ह ठहरेगा इज इट व्हाट इज देयर Hallelujah, what is there? Hallelujah, for Israel and for every one of us. और इज़राइल और हर एक के लिए क्या है? What is the token in our life? और क्या वो चिन्ह है हमारे लिए? Verse 13. तेरवा वचन. Chapter 12, verse 13. The blood of the lamb will be the token, the sign for you, Rabbas. और निर्गमन 12 के 13 में वो लहू ही हमारे लिए चिन्ह ठहरेगा. Hallelujah, when the angel of death is passing over your house, Rabbas. वे दूत जो मृत्यु का जब आपके घर से हो गुजरे. Hallelujah, when the angel of death is passing over your your house your tent aur aapke ghar ya aapke us tambu mein se woh ho guzre if there is blood of the lamb yada pe wahan pe memne ka lahu hai on the door post labas us dwar par you can ali sleep peacefully in that night aap us ratri badi shanti purvak so sakte you can arise peacefully to stand labas aur shanti purvak aap uth सकते हैं और खड़े हो सकते हैं Praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो Hallelujah. Hallelujah. Oh, that is their protection, और वही तो एक रक्षा है All Israel people apply the blood of the lamb on the door post और सारे इज़राइलियों ने मेमने के लहू को लगाया अपने द्वार पे I mean, they all were protected, और वे सब उनकी रक्षा हुई they all were protected, उन सब की रक्षा हुई Hallelujah. God covered, God protected all the house, where the blood of the lamb, और परमेश्वर ने ढांपा परमेश्वर ने रक्षा की वहां पर जहां पर सब मेमने का लहू लगा था Today, your life is protected, आज आपका जीवन Your life is protected from Hallelujah, the judgment of God, Rabbas. और आपके जीवन की रक्षा की गई उस न्याय से. Says your life is protected from the judgment of God, Rabbas. और आपका जीवन की रक्षा की गई उस परमेश्वर के न्याय से. Your life is protected from the hellfire, Rabbas. और आपका जीवन की रक्षा उस अधोलोक की आग से. Amen. What is the sign? और क्या चिन्ह है? The sign is the blood of the Lamb, Rabbas. अब वो जो चिन्ह है वो यीशु मसीह का लहू. The sign is the blood of Jesus Christ, Rabbas. उस मेम ने उस यीशु मसीह का Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. You have to give thanks to the Lord. और आपको प्रभु का धन्यवाद देना है. Hallelujah. Thanks to the Lord. और यहोवा का धन्यवाद देना है. Lord, where I was to die. जहाँ पे मुझे मारा जाना था. You died for me. वह मेरे लिए मारा गया. Where I was to shed my blood. और जहाँ पे मेरे को मेरा लहू बहाना था. You shed all your blood for me. प्रभु तूने सारा लहू मेरे लिए बहाया. Through your blood. और तेरे लहू के द्वारा. Hallelujah. I am blessed, Lord. मैं आशीषवत हूँ प्रभु जी. My house is blessed. मेरा घर आशीषवत हूँ प्रभु जी. We are blessed through your precious blood. Lord, प्रभु हम तेरे बहुमूल्य लहू से आशीषवत हुए प्रभु Hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand and give thanks to the Lord? क्या हम सब खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद दें? On that night, if you read verse 33 and 34 in that same chapter 12, Lord, और उसी 12वें अध्याय के 33 और 34वें वचन में यदापि आप पढ़ें, All the people of Egypt, Lord, सारे मिश्र के लोग, they told Israel people, Lord, वो इज़राइली लोगों से कहा, What Hallelujah, Egyptians told Israel people in that night? और मिश्रियों ने क्या कहा इज़राइलियों से उस रात्रि? They were telling, Oh, Egyptians are perishing, Lord, और मिश्री लोग तो मर रहे हैं Egyptians are destroying, Lord, और जो मिश्री लोग हैं उनका तो नाश हो रहा है All cry to, Israelite people, Lord, इज़राइली लोगों के आगे उन्होंने दुहाई दी They said, Please, you go from Egypt, Lord, और कृपया कर आप मिश्र से चले जाएं Hallelujah, go from Egypt, they cry, Lord, और यहाँ से चले जाएं और वो रोए If you read chapter 12, verse 33 and 34, Lord, और यदापि आप 12वें अध्याय के 33 और 34वें वचन में पढ़े The same night they came out of Egypt, Allah. उसी रात्रि वो मिश्र से बाहर निकल कर आ गए Amen. The journey started towards Canaan, Allah. और यात्रा शुरू हुई कनान के लिए Hallelujah. The wilderness was there, Allah. और वहाँ पे जंगल तो था But now from Egypt their journey started to Canaan, Allah. लेकिन मिश्र से यात्रा शुरू हो गई कनान के लिए The day you are saved, Allah. जिस दिन आपने उद्धार पाया बच गए The day you are baptized, Allah. जिस दिन आपका बपतिस्मा हुआ Give prime thanks to the Lord your journey started आप प्रभु का धन्यवाद दे कि आपकी यात्रा शुरू हो गई Hallelujah, you are not the man of this world, आप
इस संसार के व्यक्ति नहीं। Why the world is hating you? क्यों यह संसार आपसे घृणा करता है? Why the world is hating you? क्यों यह संसार आपसे घृणा करता है? Because you are not belong to this world. क्योंकि आप इस संसार के नहीं हैं। I'm going to say, I am not belong to this world. मैं संसार का नहीं हूँ। So Jesus said to the world is hating you because you are not belong to this world. यीशु मसीह ने कहा यह सारी जगत यह संसार तुमसे घृणा करता है क्योंकि आप इस संसार के नहीं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Shall we all stand and give thanks to the Lord? क्या हम खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद दें? The Lord is touching every one of us, Lord. प्रभु हर एक को छू रहा है। I mean, today we are covered with the blood of the Lamb, Lord. आज हम ढांपे गए यीशु के लहू के द्वारा। We are all covered with the blood of Jesus Christ, Lord. उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम ढांपे गए। All you open your mouth and give thanks to the Lord, Lord. और अपना मुंह खोलकर प्रभु का धन्यवाद दें। Jesus became our Passover Lamb, Lord. और फसह पर्व का वो मेमना बना हमारे लिए। Jesus became the Passover lamb for us. वो फसह का मेमना बना हमारे लिए। Jesus, यीशु, I mean, you became sacrifice for us. और तू बलिदान हुआ हमारे लिए। Where we were to die. जहाँ पे हमें मारा जाना था। Where we were to be sacrificed. जहाँ पे हमारा बलिदान चढ़ाया जाना था। Where we were to shed our blood. जहाँ पे हमें हमारा लहू बहाना था। You became atonement for us. और तू प्रायश्चित बना हमारे लिए। You took our sins. और तूने हमारे पापों को ले लिया। You took our punishment, और तूने हमारे दंड को ले लिया। You took our judgment, तूने हमारे न्याय को ले लिया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। This morning, what we can give to Jesus, इस सवेरे हम यीशु को क्या लौटा के दे सकते? That is what David told, और वही दाऊद ने कहा। For all this benefit, और इन सारी भलाइयों के लिए। For all this benefit I receive from the Lord, ये सारी भलाइयों के लिए जो मुझे प्रभु से मिली। What I can give, मैं क्या लौटा के दे सकता? What I can repay for the Lord, और क्या लुटाकर मैं कुछ दे सकूं? David said, I can take the cup of salvation, और दाऊद ने कहा कि मैं कटोरा उस उद्धार का ले। I will take the cup of salvation, मैं उद्धार का कटोरा लूंगा। I will praise the Lord, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। Hallelujah, this morning, what the Lord is expecting you, आज सवेरे क्या प्रभु अपेक्षा कर रहा आपसे? I mean, he is expecting you to live holy, अब ये चाह रहा कि आप पवित्र जिए। You to live holy life, एक पवित्र जीवन जिए। Hallelujah. Hallelujah. In Hebrew we read, और इब्रानियों में हम पढ़ते हैं। In the book of Hebrew we read, और इब्रानियों में हम पढ़ते हैं। After salvation, उद्धार के उपरांत। After the baptism, बपतिस्मा के उपरांत। If anybody is living in sin, यदि कोई पाप में जी रहा है। If anybody is living in sin, यदि कोई पाप में जी रहा है। Oh, the meaning is he is stamping the blood of Jesus Christ. इसका मतलब कुचल रहा यीशु के लहू को। Oh, that person is stamping on the blood of Jesus Christ. और वो व्यक्ति खड़ा हुआ है यीशु के लहू पर। Such person cannot escape from the punishment, और ऐसा व्यक्ति दंड से नहीं बच सकता। Hallelujah. Hallelujah. Oh, where is your blessing, आपकी आशीष कहाँ पर? Where is your covering, आपका ढांपा जाना कहाँ? Where is your protection, आपकी रक्षा कहाँ पर है? One by one will be removed. Hallelujah. If you live in sin, एक एक करके हटा दिया जाएगा यदि आप पाप में जिए। Because instead of only giving glory to God, प्रभु की महिमा करने के बजाय अब यीशु मसीह के लहू पर खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। This morning surrender your life, इस सवेरे समर्पण करें अपने जीवन को। Submit your life in the hands of God, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे। से कहे यीशु, हालेलुया।